अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे रमज़ान की इफ्तारी के लिए शरबत, जो सिंपल सा भी है, जो बॉडी को ठंडा रखेगा और एनर्जी भी मिलेगी। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। शुगर 7 से 8 बादाम, 8 से 10 काजू, सब्ज़ी के बीज 3 टेबलस्पून, रुअफ़ज़ा 3 टेबलस्पून रुअफ़ज़ा ले लिया है, आधा लीटर दूध लेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे, 1 कप भर के तरबूज ले लेंगे जो कि हम पीस लेंगे, 1 जूसर में तरबूज डाल देंगे, इसको पीस लेना है, तरबूज, काजू, बादाम और शक्कर डाल के पीस लेंगे। शुगर हमारे मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 6 टेबलस्पून डाला है जो कि काफ़ी है। आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पीते हैं तो और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, और काजू बादाम भी डाल के इसको बारीक से पीस लेंगे। पिसा हुआ तरबूज के मिक्स को दूध में डाल देंगे, इसमें सब्ज़ी के बीज भी डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून और रुअफ़ज़ा भी डालेंगे। रुअफ़ज़ा 3 टेबलस्पून भर के हैं, इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। रुअफ़ज़ा डाल के मिक्स कर लेंगे। चलिए हमारा शरबत तैयार हो गया है, इसको सर्व कर लेंगे हम। बहुत टेस्टी सा शरबत बन के तैयार हो गया है। इसको गार्निश करने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैं काट के रख लिया है, उसको हम गार्निश कर लेंगे। थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप अपने के पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, या ऑप्शनल है डाल भी सकते हैं। बिना इसके भी शरबत टेस्टी है, ऐसे ही पी सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।